देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। सोनम कपूर ने दीपिका पादुकोण पर साधा कौन सा निशाना? इश्क इन पेरिस की स्क्रीनिंग पर कंगना ने अनिल कपूर को क्या कहा? अभिषेक बच्चन ने जूम को दिया कौन सा चैलेंज? इंजरी के बाद भी अक्षय ने क्यों की शूटिंग शुरू? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे जॉन इब्राहिम का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। आज के बुलेटिन की शुरुआत सोनम कपूर से। सोनम ने दीपिका को एक बार पहचानने से भी इनकार कर दिया था और अब सोनम ने दीपिका के लिए कुछ ऐसा बोल दिया है जो दीपिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आखिर क्या कहा सोनम ने? वॉच आउट ऑन आवर टॉप स्टोरी। अ मूवी दैट केम आउट विद माय मूवी। वो कौन सी फिल्म थी जो सोनम कपूर की डेब्यू फिल्म के साथ रिलीज हुई थी? साउथ इंडियन एक्ट्रेस हु केम आउट एट द सेम टाइम एज आई डिड, द फिल्म रिलीज ऑन द सेम डे। वो कौन सी साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जिसने सोनम के साथ साथ किया था डेब्यू? इट वाज लाइक दिस ह्यूज बिग डील व्हेन माय फिल्म केम आउट दैट दिस अदर पर्सनस फिल्म आल्सो केम आउट। और क्या था वो रीजन जिसने इन फिल्म्स की एक साथ रिलीज को अ बिग डील बनाया? सोनम और उनके कंपटीशन में उतरी उस एक्ट्रेस की इक्वेशन को उस लेवल पर पहुंचाया जहां ना तो सोनम कंफर्टेबल रहती है और ना ही वो दूसरी एक्ट्रेस। अब बिना और इंतजार करवाए आपको बता ही दिया जाए कि माजरा क्या है। आखिर अपनी डेब्यू फिल्म और उसे कंपटीशन देने वाली फिल्म की बात पर आखिर कैसे रिफ्लेक्ट हो गया सोनम और उस एक्ट्रेस का इक्वेशन? तो बता दें कि वो दीपिका पादुकोण ही है जिनकी एक नई पहचान बताई है इस बार सोनम ने। साउथ इंडियन एक्ट्रेस हु केम आउट एट द सेम टाइम एज आई डिड, द फिल्म रिलीज्ड ऑन द सेम डे। और मामला सिर्फ दीपिका को साउथ इंडियन एक्ट्रेस बताने का नहीं है, बल्कि यहाँ सोनम दीपिका से अपने उस कंपटीशन को भी एक्सेप्ट कर बैठी जिससे उन्होंने हमेशा किया इनकार। इट वाज लाइक दिस ह्यूज बिग डील व्हेन माय फिल्म केम आउट that this other person's film also came out. पहले जब उनके और दीपिका के रिश्तों की कड़वाहट के बारे में पूछा गया, सोनम बातों को टालती रही। I don't know Deepika. I would have a war with her, poor thing. I hate love stories के वक्त तो सोनम ने यहाँ तक कह दिया कि वो दीपिका को जानती तक नहीं, लेकिन सोनम दीपिका को कितनी अच्छी तरह जानती हैं, इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। दरअसल इस चैट के दौरान सोनम को रांझणा में अपने को स्टार धनुष के साथ डम शरारत जैसा खेल खेलना था। इसी खेल में सोनम की मुश्किल बढ़ गई जब उन्हें मिली चिट पर लिखा था फिल्म ओम शांति ओम का नाम। A movie that came out with my movie. इसी दौरान धनुष को फिल्म के बारे में एक्सप्लेन करते करते सोनम ने लगता है अनजाने में ही एक्सप्लेन कर डाली दीपिका से अपनी पर्सनल इक्वेशन। साउथ इंडियन एक्ट्रेस हु केम आउट एट द सेम टाइम एज आई डिड, द फिल्म रिलीज्ड ऑन द सेम डे। इट वाज लाइक दिस ह्यूज बिग डील व्हेन माय फिल्म केम आउट दैट दिस अदर पर्सनस फिल्म आल्सो केम आउट। अब सोनम और दीपिका का साथ में डेब्यू करना बिग डील था या फिर बाद में रणबीर दीपिका की ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप और दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग बिग डील थी, ये तो पता नहीं। लेकिन अब जब एक बार फिर सेम डे न सही पर दोनों की फिल्में आ रही हैं बॉक्स ऑफिस पर, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि सोनम और दीपिका के बीच का इक्वेशन कहीं ना कहीं से बाहर आएगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। गई थी फिल्म इश्क इन पेरिस की स्क्रीनिंग, जहां पहुंचे हुज एंड हु ऑफ बॉलीवुड। तो कौन कौन आए प्रीति जिंटा की इस फिल्म की स्क्रीनिंग में, लेट्स सी। मुंबई में कल रात रखी गई फिल्म इश्क इन पेरिस की स्क्रीनिंग, जहां पहुंचे हुज एंड हु ऑफ बॉलीवुड। जरा आप एक झलक इन्हें देख लीजिए। वैसे इस स्क्रीनिंग में सरप्राइज एंट्री दिखी कंगना रनौत की, जो एज ऑलवेज काफी लॉस्ट नजर आ रही थी। लेकिन हाँ, अनिल कपूर की टाई की जमकर तारीफ कर रही थी। और तो और अनिल कपूर ने भी जाते हुए कंगना को फ्लाइंग किस दी। इस स्क्रीनिंग में दूसरे स्टार नजर आए सनी देओल, जिनसे रिक्वेस्ट की गई कि एक फोटो दे दें, तो कहने लगे कि चलते चलते ही फोटो लो। चलते जाओ, मैं चलता जा रहा हूँ। वैसे यहाँ एक और सरप्राइज एंट्री में नजर आए क्रिकेटर जहीर खान,
जिनसे एक फोटो के लिए कहा गया तो फोन का बहाना करके भाग गए। वेल इनके अलावा स्क्रीनिंग में जावेद अख्तर, शबाना आजमी, मुग्धा गोडसे और डीनो मोरिया जैसे कई स्टार्स नजर आए और सबने इस फिल्म की तारीफ भी की। बहुत अच्छी लगी और बहुत खूबसूरत काम किया है प्रीति ने और बहुत सिंपल सी स्वीट सी कहानी है लेकिन दिल को छूती है, तो मुबारक प्रीति। चलिए अब प्रीति से बात कर लेते हैं इस स्क्रीनिंग को लेकर। प्रीति जावेद साहब ने फिल्म की बहुत तारीफ की, क्या कहेंगी आप? थैंक यू बेस्ट प्रेम, मैंने और प्रेम ने लिखी है बेस्ट प्रेम। चलिए प्रेम को बुला लीजिए, लेकिन ये बताइए कि आपका बॉलीवुड में इतना नाम है और आपकी पहली प्रोडक्शन फिल्म का ये काम है, फिर बॉलीवुड से इसे देखने बहुत कम लोग आए, क्या बात है, आपने बुलाया नहीं था कि लोग आए नहीं? आई एम जस्ट हैप्पी, यू नो मैंने उन सबको बुलाया जिनके साथ मैंने अपना करियर में काम किया है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ टाउन थे, शूटिंग कर रहे थे, बट इट वॉज वेरी स्वीट, चाहे छोटे टाइम के लिए आए, जो भी बॉम्बे में थे सब आए। प्रीति, एनी लास्ट कमेंट्स रिगार्डिंग योर फिल्म, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? और जाके जरूर देखना। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल, इरफान खान, हुमा कुरैशी ने बाकी सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर कल मुंबई में किया फिल्म डी डे का फर्स्ट लुक लॉन्च, जिसके कुछ ग्लिम्पसेस जूम आपके लिए लेकर आया है। फिल्म डी डे का रिसेंटली हुआ प्रोमो लॉन्च, जहां श्रुति हासन के अलावा पहुंची पूरी स्टार कास्ट। जब फिल्म का पोस्टर अनवेल किया गया तब तो ऋषि कपूर भी वहां मौजूद थे, पर मीडिया इंटरेक्शन शुरू होते ही ऋषि कपूर वहां से गायब हो गए, क्योंकि ये फिल्म इंस्पायर है फ्रॉम फ्यू रियल लाइफ इंसिडेंट्स। तो हमने निखिल से पूछा कि क्या इससे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ आइडियाज मिल सकते हैं, तो देखिए कैसे निखिल से माइक छीनकर अर्जुन ने इसका क्या जवाब दिया। इट्स पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, लाइक व्हाट आईडिया यू हैव ट्राइड टू गिव इन इट, काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट नो। या दे विल हैव टू हायर इरफान इन मी एंड All of us, and we'll get something going. We'll get them back. वैसे इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को हॉलीवुड के फेमस एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रथर्स ने डायरेक्ट किया है, और जब हॉलीवुड की बात आती है तो इरफान खान कितने एक्साइटेड हो जाते हैं ये बात तो सबको पता है ही, और शायद यही वजह थी कि इरफान ने ये फिल्म भी की। My only concern was whether we will be able to put the team together, and I started asking questions to Nikhil, and Nikhil said that we are calling this guy from Batman Returns and things like that. I thought it's just bullshit, you know, he's जैसे लोग बोलते हैं कि हम इसको बुला रहे हैं उसको बुला रहे हैं, but he seemed serious, and then you know things started falling into place, and you know now you have this film. D-Day में इरफान खान और अर्जुन रामपाल के अलावा हुमा कुरैशी भी स्टंट्स करती हुई नजर आएंगी। मैंने एक्शन बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव डन एक्शन, एंड व्हेन निखिल हैड कॉल्ड मी एंड ही नरेटेड द सब्जेक्ट टू मी, you know, he did give me the option of playing another character in the film, but I chose to do this because I thought ki aisa mauka phir nahi milega aur action karne ka, and to train with Tom and to work with everyone else. It's difficult. I don't necessarily enjoy hand-to-hand combat, but it's a lot of fun. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. Football match ke ek event mein aaye Abhishek Bachchan ne Zoom ko hi de diya ek challenge. Kya tha ye challenge? Chaliye dekhte hain. अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी कोई भी फिल्म को लेकर इवेंट्स पर तो नजर नहीं आते हैं, पर कल हमने अभिषेक को स्पॉट किया एक फुटबॉल इवेंट पर टू सपोर्ट फुटबॉल इन इंडिया, और इसी फुटबॉल मैच को सपोर्ट करते हुए अभिषेक बच्चन ने फुटबॉल को इंडिया में पॉपुलर बनाने की बात कही। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं फुटबॉल का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरा एक छोटा सा एक ख्वाब है कि इंडिया की जो नेशनल टीम है वो अगले वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, देयर इज अ रफ रोड अहेड, बट आई रियली होप दैट वी कैन पॉपुलराइज द स्पोर्ट इनफ, और सब मेहनत करके यही कोशिश करेंगे कि हमारी जो नेशनल टीम है उसे पॉपुलैरिटी मिले और वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर पाए। वर्ल्ड कप फाइनल्स में अभिषेक चाहते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम जीते, ये विश तो हम भी चाहेंगे कि अभिषेक की पूरी हो जाए। इतना ही नहीं, अभिषेक ऑल्सो वॉन्ट्स कि उनके चैरिटी के थ्रू खेले गए फुटबॉल मैचेस भी इंडिया में फेमस हो जाए और फुटबॉल इंडिया में फर्स्ट प्रायोरिटी पर लिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा एक फुटबॉल टीम भी है, ऑल स्टार फुटबॉल टीम, जो हम लोग चैरिटी के लिए खेलते हैं, और
ऑल स्टार फुटबॉल टीम के द्वारे हम ये चाहते हैं कि फुटबॉल इस देश में पॉपुलर हो। वैसे इन सब बातों में अभिषेक ने जूम को भी इनडायरेक्टली कर दिया चैलेंज टू फॉर्म अ फुटबॉल टीम एंड ही विल बी रेडी टू प्ले अ मैच विद अस। आप जूम से हैं सलमा, आप जूम का टीम खड़ा कर दीजिए, हम आ जाएंगे आपके खिलाफ। अभिषेक का ये ओपन चैलेंज तो हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है। वैसे फुटबॉल मैचेस के अलावा अभिषेक बच्चन ने क्रिकेट में हुए रीसेंट कंट्रोवर्सी पर भी अपना टेक दिया, ये कहते हुए कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स सैड, वी ऑब्वियसली होप दैट स्टफ लाइक दिस डजंट हैपन एज फैंस, वी डोंट वांट थिंग्स लाइक दिस टू हैपन, वी आर पैशनेट सपोर्टर्स ऑफ आवर टीम्स एंड वी वांट द स्पोर्ट टू बी प्लेड विद स्पोर्ट्समैनशिप मोस्ट इंपोर्टेंटली एंड फेयरनेस एंड आई थिंक दैट्स व्हाट शुड बी डन। अभिषेक बच्चन के अलावा इस इवेंट पर डीनो मोरिया भी मौजूद थे। इस तरह से अभिषेक का ये फुटबॉल मैच इवेंट काफी खास तो रहा ही, बट अभिषेक का ये अपीयरेंस और अच्छा तब लगेगा जब वो अगली बार उनकी किसी फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार ने इंजरी के बाद भी कल मुंबई सेंट्रल में अपनी फिल्म की शूटिंग की। वेल, क्या थी इसकी वजह? लेट्स चेक आउट इन दिस रिपोर्ट। ट्यूजडे नाइट को अक्षय कुमार हॉस्पिटल में थे और थर्सडे को शूटिंग लोकेशन पर। इसे अक्षय का प्रोफेशनलिज्म कहा जाए या फिर काम के लिए डेडिकेशन या फिर खिलाड़ी कुमार का पैशन, आप कुछ भी कहिए, लेकिन इतना जरूर है कि एक्शन हीरो अक्षय रियल लाइफ के भी हीरो हैं, क्योंकि लेग इंजरी के बावजूद भी अक्षय कल मुंबई सेंट्रल में तमिल फिल्म रीमेक धुपाकी की शूटिंग करने पहुंच गए। अक्षय यहां हमें आर्मी ड्रेस में नजर आए, जिसमें अक्षय को एक चलती ट्रेन के साथ सीन देना था। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस बात का खास ख्याल रखा कि कोई भी ऐसा सीन शूट ना हो जिसमें एक्शन इन्वॉल्व हो, इसलिए सिंपल सिंपल शॉट्स शूट किए गए। बता दें कि ट्यूसडे इवनिंग को अक्षय मुंबई ठाकुर विलेज कांदीवली में एक ट्रक सीन को शूट करते हुए इंजर्ड हो गए थे। उनका फुट ट्रक के नीचे आ गया था। अक्षय को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने रिपोर्टेडली फ्रैक्चर बताते हुए अक्षय को रेस्ट करने को कहा था, लेकिन अक्षय फिर भी अगले दिन ही शूटिंग पर आ गए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रोड जेल में पूरे स्टाफ को बंटवाए अपनी अपकमिंग फिल्म पुलिस गिरी के फ्री टिकट्स। संजय चाहते हैं कि जेल का स्टाफ उन्हें पुलिस वाले के अवतार में देखे। मोर ऑन दिस इन नेक्स्ट स्टोरी। संजय दत्त ने अपनी फिल्म पुलिसगिरी के 500 टिकट मुंबई आर्थर रोड जेल में बंटवा दिए हैं। दरअसल संजय दत्त चाहते हैं कि आर्थर रोड जेल के लोग उन्हें पुलिस के अवतार में देखें। अब खबर जरा डिटेल में। संजय दत्त ने लगभग एक वीक पहले मुंबई टाटा सेशन कोर्ट में सरेंडर किया था। वहां से उन्हें रात को मुंबई आर्थर रोड जेल ले जाया गया। इस जेल में संजय दत्त लगभग एक वीक तक रहे। सोर्सेज की माने तो यहां के स्टाफ से संजय दत्त काफी क्लोज हो गए, इसीलिए उन्होंने पुलिस गिरी के मेकर्स से रिक्वेस्ट की कि वो इस जेल के स्टाफ को उनकी अपकमिंग फिल्म दिखाएं। संजय दत्त को इस जेल के लोगों ने एक कैदी के रूप में देखा, लेकिन संजय दत्त चाहते हैं कि इस जेल के लोग उन्हें एक पुलिस वाले के अवतार में देखे। वेल, संजय दत्त की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पुलिस गिरी के मेकर्स ने 500 से ज्यादा टिकट्स वहां के स्टाफ को बांट दिए। बता दें कि संजय दत्त फिलहाल पुणे के बाड़ा जेल में है और यहां उन्हें अभी 42 मंथ्स और स्पेंड करने हैं। कल का अपडेट ये है कि कल संजय दत्त ने जेल में नॉर्मल खाना ही खाया और किसी से कोई बातचीत नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जॉन इब्राहिम का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। रिसेंटली मुंबई महबूब स्टूडियो में एक पॉपुलर ब्रांड के लिए किया फोटोशूट, और इस फोटोशूट की ग्लिम्पसेस हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ पी टाउन। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ वी टाउन। एंजॉय। वी कॉट देम, वी क्लिक देम एंड वी ब्रिंग ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ वी टाउन फॉर यू। सो हियर वी गो।
बॉलीवुड एंड पिक्चर्स की शुरुआत शाहरुख, दीपिका और रोहित शेट्टी की लेटेस्ट पिक्चर के साथ, जिसमें दीपिका साड़ी में है तो शाहरुख की शर्ट पर लगा हुआ है कलर और रोहित शेट्टी के साथ दोनों नजर आ रहे हैं फनी मूड में। मूविंग ऑन, आपके लिए लेकर आए हैं हम अमिताभ बच्चन की लेटेस्ट पिक्चर्स, जिसमें उनका ट्राउजर है काफी लूज। इन पिक्चर्स को सोशल नेटवर्किंग साइट पर डालते हुए अमिताभ ने लिखा कि उनका ट्राउजर तो गिरने ही वाला था। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं रणबीर दीपिका की लेटेस्ट पिक्चर इन अ डांस रियलिटी शो ऑफ किड्स। यहाँ दीपिका और रणबीर ने काफी एंजॉय किया। वैसे रणबीर की एक और तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें वो टशन के साथ कर रहे हैं वॉक। मूविंग ऑन, आपके लिए लेकर आए हैं द मोस्ट ब्यूटिफुल ऐश्वर्या राय बच्चन की लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम द कांस फिल्म फेस्टिवल। हैव अ लुक इन दिस कॉपर गोल्डन साड़ी, ऐश्वर्या इज इंडीड लुकिंग स्टनिंग। वेल, आज बॉलीवुड एंड पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड मंडे टू फ्राइडे एट 10 PM। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 इयर्स ऑफ सिनेमा, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर 100 इयर्स स्पेशल एपिसोड्स ऑन जूम। वेल, विद दिस इट्स अ रैप। We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.